हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और अभी हो रहे हैं 10:15। ब्रेकफास्ट हम लोग का हो गया है। मेरे हस्बैंड कल आ गए थे, जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा। क्यों, मैं शाम को जाऊंगी बाल कटवाने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे करना है घर का काम। और मैंने कपड़े भिगोने के लिए रख दिए हैं, लेकिन आज धूप ज़्यादा तेज नहीं है और मेरा मन भी नहीं है कपड़े धोने का, लेकिन अब भिगो दिए हैं तो धोने पड़ेंगे। तो मैं धोऊंगी अभी कपड़े और उसके बाद मैं हो जाऊंगी फ्री। ब्रेकफास्ट में आज हम लोगों ने दलिया बनाया था। तो मिलती हूँ मैं आपसे फ्री होने के बाद, मतलब नहाने के बाद। तो इसी बीच में मेरे हस्बैंड गए थे कैंटीन, और वो कैंटीन से ये थोड़ा बहुत सामान लेके आए हैं, जिसमें हमें कम से कम 250 तक का फ़ायदा हो गया था इतने थोड़े से सामान में। तो कैंटीन के सामान में फ़ायदा तो है, ये सबको ही पता है। और शाम को हम लोग गए थे हेयर कट के लिए, तो थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि यहाँ पे 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे अंधेरा जल्दी हो गया है। लेकिन हम लोग 5 बजे के करीब गए थे, थोड़ा थोड़ा था दिन, तो 5 बजे गए, 5:30 बजे तक, 5:15 बजे तक हम पहुँचे थे। और उसके बाद हम लोगों ने कटवाए बाल। मुझे लगा था यहाँ पे ऑफ़र है, लेकिन इस ब्रांच में ऑफ़र नहीं था, दूसरी ब्रांच में ऑफ़र था, तो ये हमें थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। और आज हम मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी, तो हमें थोड़ा जल्दी भी था, तो सिर्फ बाल कटवाए और वापस चल दिए। मॉल में बिल्कुल भी हम लोग नहीं घूमे। तो ये है मेरा फाइनल लुक हेयर कट के बाद, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम नाइट ड्यूटी की वजह से थोड़ा जल्दी था, तो मैं आटा ऑलरेडी गून के गई थी। आज हम लोग भटूरे बनाने वाले थे, तो मैंने पहले ही आटा गून के चली गई थी, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी गूनना पड़ता है, 2-3 घंटे पहले आटा उसका, तो मैं पहले ही आटा गून के चली गई थी। और आने के बाद फिर मैंने बना लिए थे भटूरे, और सब्जी हमारी मॉर्निंग की ही पड़ी हुई थी, तो हमने वही यूज़ की थी। तो गाइस, मैं घर आ गई हूँ और मैंने बाल कटवा लिए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और अब मैं करने जा रही हूँ अलमारी की सफाई। ये मेरे हस्बैंड के आने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा खलारा पड़ गया पूरी अलमारी के अंदर, तो इसको मैं सेट करूँगी और इसके बाद मैं करूँगी अपनी किचन को साफ। तो पहले फटाफट इस अलमारी को सेट कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी किचन को साफ करने के लिए। डिनर हमारा हो गया है ऑलरेडी, क्योंकि नाइट ड्यूटी थी आज, तो नाइट ड्यूटी में हम लोग 7 बजे डिनर कर लेते हैं। तो बस अभी मेरे पास यही काम है, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो अलमारी तो हो गई है मेरी क्लीन, और अब मैं करूँगी अपना रूम क्लीन थोड़ा सा, और उसके बाद जाऊँगी किचन में। तो मेरी किचन और रूम की सफाई हो गई है, और अब मैं करूँगी थोड़ी देर फ़ोन यूज़, जैसे कि मैं करती हूँ थोड़ा सा सोने से पहले, और उसके बाद जाऊँगी मैं सोने और मिलती हूँ आपको कल। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आज है 25 दिसंबर, मेरा बर्थडे, और मुझे रात से ही बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। अभी हो गया है टाइम 7:30 का, और अभी तक यहाँ पे भी फॉग है, धूप थोड़ी थोड़ी निकली है, लेकिन फॉग है यहाँ पे भी। और तो अब मैं उठूँगी और करूँगी अपना सारा काम स्टार्ट धीरे धीरे, क्योंकि रात से ही मुझे फीवर आ गया था। और मेरे हस्बैंड की आज शिफ्ट ड्यूटी थी, तो हम लोग मॉर्निंग में उठे थे 3:30 बजे, उसके बाद मैंने उनको खाना बना के दिया और वो 4 बजे चले गए। उसके बाद मैं फिर से सो गई, और तो दोबारा मैं अब 7:30 बजे उठी हूँ सोने के बाद। 4 बजे वो गए थे, और मैं 5 बजे दोबारा सो गई थी, 1 घंटे तक मुझे नींद ही नहीं आई। फिर उसके बाद मैं 5 बजे दोबारा सो गई, और अभी 7:30 हो गए हैं, तो मैं 7:30 बजे दोबारा उठ गई थी। तो अब मैं उठूँगी और अपना काम करूँगी थोड़ा बहुत, और जो भी आज का शेड्यूल है आपको धीरे धीरे करके इस वीडियो में देखने को मिलता रहेगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो मिलती हूँ आपसे काम करने के बाद, ख़त्म करने के बाद। तो नहा के मैं आ गई हूँ, और आज मेरा सर दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सर धो लेती हूँ, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। और अभी बजे हैं सिर्फ 10, आज 10 बजे, इतनी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो गया, इतना लेट उठी थी मैं फिर भी। तो अभी तो मैं थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, अभी नहीं, थोड़ा बाल सूख जाने के बाद जाऊंगी छत पे, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो थोड़ा सा सूख जाने के बाद बाल को फिर जाऊँगी मैं छत पे। और आज शाम को हमारा बाहर डिनर करने का प्लान है, लेकिन
अगर भी बॉडी हो जाएगा तो चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। और मेरे बर्थडे के लिए स्पेशल मेरे हस्बैंड ने आज ए शिफ्ट ड्यूटी करवाई है अपनी, कि शाम को उनको टाइम मिल जाए। अगर ए शिफ्ट नहीं होती तो फिर उनको रेस्ट लेना पड़ता, और रेस्ट अभी मिल नहीं रहा है यहाँ। तो मिलती हूँ आपसे शाम को, देखते हैं कैसा प्लान बनता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने रखा है काढ़ा बनने के लिए, और यहाँ पे हमारी बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा है टाइल्स का। जो हमारा ओनर है वो टाइल्स लगवा रहा है कुछ घरों में, पूरे किचन में, इसलिए खटखट की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो प्लीज़ उसको आप इग्नोर करें। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ काढ़ा, मेरे हस्बैंड ने बोला ये बनाने के लिए कि बनाकर भी और मुझे फ़ोटो भी भेजना कि बनाया है कि नहीं बनाया है। इसमें मैंने डाली है तुलसी, अदरक और डाली हैं 2 लौंग। तो ये जब भी थोड़ा उबल के हाफ हो जाएगा तो इसको मैं छान के पी लूँगी। सर में दर्द हो रहा था इसलिए मेरे हस्बैंड ने ये सजेस्ट किया कि ये बना के पियो, इससे तुम्हारा सर दर्द थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो मैं ये बना रही हूँ अभी और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये मैंने बना लिया है काढ़ा, और अब मैं करूँगी इसको इंजॉय। उसके बाद मैं जब अभी 11 बजे हैं और मैं इसको पीने के बाद मैं सो जाऊँगी। मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर 12 बजे उठ के फिर खाना बनाऊँगी। तो अभी बज रहे हैं 1 और मेरे हस्बैंड आ गए हैं ड्यूटी से, और खाने में मैंने बनाया है अभी चावल और मटर आलू की सब्जी। तो अब हम खाएंगे खाना और उसके बाद करेंगे थोड़ा देर रेस्ट, फिर मिलती हूँ मैं आपको शाम को। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी नज़र उतार रहे थे, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी बीमार हो जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को लगता है कि मुझे नज़र लग गई है। और तो यहाँ पे नज़र उतार रहे थे, तो मैंने बोला उनको कि पहले खाना खा लेते हैं। बोलते नहीं, पहले खाना नहीं खाएंगे, पहले नज़र उतारूँगा, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो फिर नज़र उतारने के बाद हम लोगों ने खाया खाना। तो यहाँ पे लगभग 5:30 के करीब हम लोग बाहर निकल गए थे अपने घर से। तो हमने सोचा था कि डिनर भी बाहर ही करेंगे, और मेरे हस्बैंड बोले थोड़ा जल्दी चलते हैं, अगर तुम्हें कुछ पसंद आता है तो तुम वो भी ले लेना मॉल से या फिर कहीं से भी, जहाँ से भी तुम्हें पसंद आया। लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ड्रेसेस देखी लेकिन मुझे पसंद नहीं आई तो नहीं ली, और 1-2 मॉल में और देखी लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था तो कुछ भी नहीं लिया हमने यहाँ से। मैंने बोला कि बाद में ले लूँगी कुछ अगर मुझे पसंद आएगा, तो आज हम रहने देते हैं। और इसके बाद हम लोग चले गए डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में, और टाइम भी हो गया था 7:30 के करीब, तो खाना खाने का टाइम भी हो ही गया था हमारा ऑलमोस्ट। तो हम लोग चले गए रेस्टोरेंट में और वहाँ पे हम लोगों ने खाया खाना। तो यहाँ पे हमारा आ गया है डिनर, लेकिन सच बोले तो हमें ये डिनर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा था। तो हमें ये जो नान थी थोड़ी मीठी थी तो इसलिए पसंद नहीं आई। तो इसके बाद हम लोगों ने नॉर्मल नान मंगवाई और उसी से खाना खाया, और जो ये नान थी इसको पैक करवा के स्ट्रीट डॉग्स को डाल दिया। तो खाना खाने के बाद हम लोग आ गए सीधा घर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे थे थोड़ा सा घर को डेकोर, मतलब डेकोर तो क्या, लाइट्स लगा रहे थे हर जगह पे। और यहाँ पे हम लोगों ने आज केक कट नहीं किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ को कुछ दिक्कत हो गई थी, तो उसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि केक कट नहीं करेंगे। और ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।